नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। दे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि दिल्ली की कुर्सी पर हुक्म करने के लिए, उस पर बैठने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए जनता के दिलों के साथ साथ यूपी और बिहार को तो जीतना पड़ेगा। और कल इसकी शुरुआत बिहार के पटना से हुई, राजधानी से, जहां तमाम विपक्षी दल इकट्ठा हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही, हम सबको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कितनी चालाकी से, कितनी होशियारी से आज देश को परेशान कर रहा है, देश को एक अलग रास्ते पे ले जा रहा है, पूरा इतिहास को बदला जा रहा है। नीतीश कुमार ने खुले मन से ये तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आए, जो हम सबको अब सुनने की दरकार है, समझने की दरकार है कि किस तरीके से ये तमाम चीज़ें हुई। नीतीश कुमार जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा गौर से देखिए। आप सब लोगों का स्वागत है, आप बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, सब पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और आप जानते हैं, आज कई पार्टियों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने काफ़ी देर तक अपनी बात इन्होंने रखी, और अनेक पार्टियाँ थी, जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो मौजूद ही हैं माननीय राहुल गांधी जी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी, और इनके अलावे और लोग भी आए थे। और फिर जो यहाँ पर सुश्री ममता बनर्जी जी यहाँ पर मौजूद ही हैं, ये रही, शरद पवार जी यहाँ पर मौजूद हैं ये भी, और मीटिंग में अरविंद केजरीवाल भी रहे, सब लोग मीटिंग में रहे, और उनके साथ आए हुए थे भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, वो सब भी रहे। और फिर वो श्रीमती महुआ मुफ्ती जी जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही हैं, वो भी रहीं, और श्री उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी रहे। और फिर उद्धव जी ठाकरे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, वो मौजूद रहे। और बाकी जो सब लोग हैं, सीपीआई वाले श्री डी राजा जी, सीपीएम वाले श्री सीताराम येचुरी जी, और माले के श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, ये सब और अनेक लोग यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसके अलावे हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन जी, और डीएमके के और भी उनके साथ आए थे, डी आर बालू जी, और ये अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद ही हैं उत्तर प्रदेश के। और इसके अलावे अन्य लोग सब मौजूद रहे यहाँ, उनके साथ और लोग भी आए हुए थे, और हम लोग तो दो यहाँ के तो थे ही, और हाँ अन्य सीपीएम सीपीआई माले सब लोग का तो नाम बता ही दिए हैं, ये सब लोग रहे, और सब अनेक पार्टियों के लोग रहे, सब लोगों की बात आई और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है, और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी, और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे, एक मीटिंग हो जाएगा, तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा, कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है, और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे, और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे,
और सारे इतिहास को बदल रहे हैं, आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है और हर चीज के बारे में, कोई भी किसी राज्य के बारे में भी, वहाँ की सरकार के बारे में कोई एक चुनौती आती है तो सब लोग एक साथ कहे कि नहीं साहब सब लोग रहेंगे, तो ये सब बात हो गई है। तो इसलिए हम तो सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चूँकि हम लोगों ने बैठक बुलाई इसलिए हम शुरुआती तौर पर कह दिए, आप बाकी कहेंगे, अब बाकी सब आप पूछिए, सब लोग ही खुद भी कहेंगे। तो हम तो कहेंगे कि जरा सा राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए, और सब लोग से बोलिए थोड़ा, आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप ही बोलिए। देखा आपने, और ये सवाल भी है, और इसी चीज़ को लेकर हालांकि इस शुरुआत से ही तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को हराया जाए। राहुल गांधी भी वहीं पे मौजूद हैं और राहुल गांधी को यही लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पीएम का चेहरा हो। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं उन सबका स्वागत, आप सबका स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। दोनों तस्वीरें आपने देखा, अब उसके बाद सवाल तो खड़े होंगे ही कि आखिर नीतीश कुमार अब कैसे बचा लेंगे, क्या नीतीश कुमार वाकई में मोदी से बदला ले लेंगे क्योंकि जेडीयू से साथ में चल रहे थे, या फिर 2024 में मोदी जी बाजी मार जाएंगे। अब नीतीश कुमार जो कह रहे हैं क्या इसका जवाब मोदी जी दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। वो दे ना दे, सुशील कुमार मोदी ने तो जरूर दिया था, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी का इस पर स्टैंड क्या कुछ रहता है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।